गाइज मैं आपको दिखा दूं, बाहर हो रही है बारिश। तो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। तो दिल्ली के अंदर आज सुबह से ही बारिश हो रही है, इतनी तेज बिजली कड़की मैं सडनली उठ गया भाई। सुबह का 8 बजे का टाइम हो रहा है और मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है। ये बंदा चाय की ख्वाहिश में सो गया है। सोनम ने सुबह उठ के सबसे पहले मेरे को उठाया था, लेकिन ये मेरे को उठा के वापस सो गई क्योंकि मैं उठा ही नहीं। चलो गाइस फटाफट से सोनम की चाय बना लेते हैं। और मेरे को भाई जिम गए हुए बहुत दिन हो गए मॉर्निंग में, तो आज मॉर्निंग में थोड़ा कार्डियो करके आएंगे। तो गाइस भैंस के दूध के ऊपर देखो, 2-3 बार मलाई हटाने के बाद भी बार बार मलाई आ जाती है। यही फर्क होता है डेयरी वाले दूध में और भैंस वाले दूध में। लो मैडम आपकी चाय। आप तो मुझे उठा के सो गए, मुझे ही आपके ऊपर तरस आ गया। वो तो मैं वैसे चाय नहीं पीती, पर तुम्हारा मन था इसलिए कोई बात नहीं पी ली। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आपके लिए चाय बना के लाया सुबह सुबह और आप मना कर रहे हो। सुबह सुबह इतने प्यार से बोल कर गया मुझे चाय चाहिए, बेचारा पूरे घर का काम करता है इसलिए मुझे ही तरस आ गया तेरे ऊपर। गाइस अगर आप भी फैट लॉस करना चाहते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ब्लैक कॉफी मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज करी है। 2 चम्मच ब्लैक कॉफी लो अपना वर्कआउट करने से आधा घंटा पहले, और वर्कआउट करके आओ, अच्छे से पसीने निकालो और आपको अच्छी एनर्जी और स्ट्रेंथ भी मिलेगी जिम के अंदर। दे दो जिस चीज के लिए आप खड़े हो। शर्मा क्यों रहे हो? शर्माओ नहीं, लेके जाओ। नहीं नहीं, अपनी इच्छा से ले आओ, अपनी इच्छा से उठा के ले आओ। नीचे फेंक के भी मैं आऊं और उठा के भी नहीं ला सकती तू। ये लड़की प्रोटीन वाली पन्नी के अंदर कूड़ा भर के देती है मुझे। कोई बंदा सोच रहा होगा कि मैं प्रोटीन लेकर जा रहा हूँ। गेट खोलो। पहले से बॉडी की शेप धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, एब्स की शार्पनेस और कंडीशनिंग और अच्छी आ जाएगी। काफी सारे लोगों से ये पूछ रहे थे कि भाई आपने फैट लॉस कैसे किया, तो प्लीज हमें भी बताएं। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जो दूसरा वाला चैनल है जिसका नाम रॉयल शक्ति फिटनेस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पे मैं अपनी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाला हूं। अभी अपना वर्कआउट हो गया खत्म और अब चलते हैं घर। तो गाइज जब मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया था मेरा वेट 98 था, और अब देख लो आप। तो गाइज रात से बारिश हो रही है, अभी दोपहर का 1 बज चुका है लेकिन स्टिल बारिश हो रही है। भी मैं आया हूँ जिम से और सोनम ने बनाई है यहाँ पे बहुत मस्त वाली सब्जी और रोटी। क्या तुम मेरे लिए एक रोटी बना सकते हो? बिल्कुल। आज तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं एक रोटी खा लूँ। सब्जी भी बहुत अच्छी खा सकते हो। गाइस ऑलरेडी मैंने अपनी डाइट यहाँ पे रेडी कर ली है, मैंने कम से कम 8-10 अंडे उबाल के रखे हुए हैं यहाँ पे। कभी कभी मन कर जाता है रोटी खाने का, है ना। सोनम ने इतने प्यार से इतनी अच्छी सब्जी बनाई है तो खानी तो पड़ेगी। गाइस मैं अभी जस्ट बाहर आई थी, बहुत ही अच्छा मौसम है और दिल्ली में 20 तारीख तक बारिश बताई है। कितना प्यारा मौसम हो रहा है देखो। और मैं आपको बिहाइंड द कैमरा नहीं बता सकती, पर मैं बता सकती हूँ। नहीं 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 गाइस, मैं अभी चड्डी में घूम रहा हूँ और ये लड़की मुझे चड्डी में कैप्चर करने के चक्कर में वापस कैमरा घुमा उधर। ऐसा मौसम ना कभी कभी आता है। जिम से आने के बाद मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। आजकल मैं कोई भी कपड़ा पहन लू यार, मेरे ऊपर बड़ा जस्ता है। आजकल आपका भाई स्मार्ट हो गया, जब से मैंने वेट लॉस करा है ना, यानी कि फैट लॉस करा है, और थोड़े थोड़े मेरे एब्स जब से दिखने लगे है ना, मतलब क्या बताऊँ। खुद की तारीफ खुद ही करो। तो खुद की तारीफ खुद ही करो, तू तो करने वाली है नहीं। खुद की तारीफ खुद ही कर लो। ऐसा होता है, खुद की तारीफ खुद ही करनी पड़ती है। ये बंदा ऐसा है कि मेरी तारीफ कभी नहीं करेगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा हूँ। हाँ। तुझे तो मेरे चरण स्पर्श करने चाहिए कि तुझे इतना अच्छा पति मिला। गाइज अभी ये लड़की हो गई है रेडी अच्छी तरीके से और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि हमें जाना है बाहर। गाइज इतना सज बज के हम हॉस्पिटल जाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे सोनम दी का बेबी बम नहीं दिखाई देता है, तो अभी मुन्ना सोनम एक बार ऐसे दिला छोड़ो पेट। तो गाइज ये देखो, अब सोनम का हल्का हल्का सा टमी नजर आने लगा है, हल्का हल्का बाहर लगने लगा है। काफी गर्ल्स मेरे को कमेंट करके बोल रही थी दी कौन सा मंथ चल रहा है, तो मैं बता दूं 5th मंथ रनिंग है। बोलते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो फेस पे ग्लो खत्म हो जाता है, बट स्टिल मतलब मेंटेन कर रखा है। हम दोनों जा रहे हैं बाहर, इसके दांतों में ना सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है 2-3 दिन से, मतलब ठंडा पानी पी रही है तो इसके दांतों में झंझनाहट, क्या कहते हैं ना, दांतों में झंझनाहट। क्या आपके कोलगेट में नमक है? नहीं है। प्रेगनेंसी में दांतों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, तो अभी हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो आगे शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, डेली लाइफ में इतने सारे खर्चे होते हैं, अभी हॉस्पिटल जाना है जिसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, तो ये डेली लाइफ के छोटे मोटे खर्चों का कुछ हिस्सा मैं ब्रोमो से मैनेज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि ब्रोमो को कैसे यूज करना है।
मेरे रियल अकाउंट में 62,000 रुपए। आप डिपॉजिट पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसेट्स को सिलेक्ट करना है जो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग ग्राफ्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे माउंटेन लाइन, कैंडल बार। इस ग्राफ को देखकर आपको प्रिडिक्ट करना है ऊपर जाएगा नीचे आएगा। गाइस मुझे ऐसा लगता है ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा 14,000 रुपीज अपर और ट्रेड कम्प्लीट होने का वेट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने इन कर लिए 25,000 रुपए। अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो इनका सपोर्ट का फंक्शन है, जहाँ पे आपको चैट, हेल्प सेंटर, कॉन्टैक्ट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है। इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। साथ में आपको टूर्नामेंट का फंक्शन मिल जाता है, जहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप अर्न कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी मेरे तरह ट्रेड करके अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है। अगर आप मेरे लिंक से डेमो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $1,000 मिल जाएंगे, जहाँ से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। और एक बार अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो उसके बाद अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कोई बात ही क्या थी। तुम अगर मुझे दुश्मन होते, तुम अगर मेरे दुश्मन होते तो बात ही क्या होती। गाना है यार। तो आज हम लोग है ना गाड़ी से नहीं जा रहे, आज हम लोग बाइक के राइड करने वाले, क्योंकि जस्ट पास में ही है, बाइक से चलने वाले बुलेट से, और जस्ट डिस्टेंस है 500 मीटर, तो इसलिए हम हेलमेट भी नहीं लेके जा रहे। लोकल एरिया में हमारे बिल्कुल, इसलिए बुलेट वैसे तो धुलने वाली है नहीं, लेकिन बारिश में जरूर धुल जाएगी अपने आप ही। भगवान की कृपा हो सकती है हमारी बुलेट के ऊपर, वैसे तो ये साफ होगी नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मौसम इतना मस्त हो रहा है बाहर, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। जब हम घर से निकले थे तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, 1 मिनट और लगेगा हमें। और सोनम को बहुत मजा आ रहा है। सोनम ऐसा क्यों होता है कि अपन हर जगह पहले पहुंच जाते हैं, 5-10 मिनट पहले, 1 घंटे से आगे पीछे हैं। तो गाइस पिछली बार हम गए थे तो 1 घंटा लेट पहुंचे थे, इस बार 1 घंटा जल्दी पहुंच गए। We have to wait now. गाइस यहाँ पे जूस पी लेते हैं भाई, बैठे बैठे क्या करें, कैसे तो टाइम पास करना ही है। नसें दिख रही है, देख नसें, फैट लॉस करने का यही फायदा है। पता है कैसी लग रही है, वो मांगने मांगने वाली लड़कियां नहीं होती है। ए देना 5 रुपए देना। अभी हमें ना पिछले 40 मिनट से वेट कर रहे हैं। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे आज, इस वजह से अभी हम डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं। ये लड़की ऐसी है, मतलब सैनिटाइजर मशीन के नीचे खड़ी होकर नहा रही है। तो गाइस हमें डॉक्टर ने बताया कि दांतों में सेंसिटिविटी और मसूड़ों में सूजन आना, स्वेलिंग आना और पेन होना, ये नॉर्मल है, काफी लेडीजों का ऐसा होता है। तो मेडिसिन तो चल नहीं सकती है। हाँ, अगर मेडिसिन आप कोई भी प्रेस्क्राइब करेंगे तो गायनी से कंसल्ट करेंगे, जो भी हो सकता है। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बारिश वाला मौसम था और अभी बिल्कुल छाया हो चुकी है। मम्मी के और सोनम के दोनों के एक साथ एक ही दिन दोनों के दांतों में दर्द हुआ, क्यों इनकी कोलगेट में नमक नहीं है। वो आ चुके थे पार्क में, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत है ना पार्क में घूम के आ जाते हैं। और सोसाइटी में देखो आपको मैं दिखा दूं कितनी बड़ी बड़ी घासें हो रही है और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिन हो गए बाहर निकले हुए, थोड़ा झूला ही झूल लिया जाए। मम्मी आप यहाँ पे जिम नहीं करने आती, बचपन से देखते आ रहे हैं मम्मी का वेट 50 किलो से ऊपर कभी बढ़ा ही नहीं, सारी टाइप की मशीनें लगा रखी है, चेस्ट की, बैक की और शोल्डर की, मतलब सारी मशीनें अवेलेबल हैं। मतलब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो मतलब ओल्ड एज लोग हैं 50 साल से ऊपर के हैं, वो आओ पार्क में बढ़िया अपना एक्सरसाइज वगैरह करो, फिट रहने के लिए जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। मम्मी है ना पापा को खींच खींच के लाती है लेकिन पापा नहीं आते। दादू मैं आ गया हूँ घर पे और अभी हम दोनों भाइयों का बॉडी चेकआउट चल रहा है। जो मैं पहले था वो ये अब है और जो ये पहले था वो मैं अब हूँ। बॉडी देख लो और मेरी बॉडी देख लो, जैसा ये पहले था। अभी मैं अभी गेन कर रहा हूँ तो फैट वैट बहुत ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा ये गेन कर रहा है तो इसलिए इसका बॉडी फैट है। मेरा वेट अभी 90 kg है, तेरा कितना है? मेरा 79। भाई के एब्स पहले से नजर आने लग गए ना, मेरी ज्यादा बढ़िया है। ये अभी लीन पे है, एब्स हमेशा रहते हैं, ठीक है, ये भुखमरी वाले एब्स है इसके। तो गाइस इसने पहले बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी लेकिन गांव जाने के बाद बिल्कुल इसकी खत्म हो गई बॉडी। अभी शाम का टाइम हो गया और ये लड़की देखो घर पे भी, दूसरे वाले घर पे भी ये बड़े गिलास में चाय पीती है और यहाँ पे भी, और देखो पापा भी बड़े गिलास में पीते हैं। हम बड़े लोग हैं ना, बड़े गिलास। सो गाइस देखो मैं अभी जिम करके आया हूँ और आर्यन भी अभी जिम करके आया है, और दो बंदे ऐसे हैं, एक ये और मम्मी ने इसके लिए, इन दो बंदों के लिए खाना लगा दिया है। किसी से कोई मतलब नहीं रखते, सबसे पहले अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। दाल भात खा रहे हो? हाँ। हमें नहीं खिलाओगे? नहीं। ऐसे करोगे? हम ऑफेंड हो जाएंगे आपसे? हो जाओ। ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बताना आपको करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना मुझे रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, सोनम को सोनम चिकू के नाम से। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।